हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर, मोबाइल नंबर 9940481904 9935673734 93365424। यहाँ तक कि बेलाडोना 200 में बड़ी आँत तथा छोटी आँत के बीच के स्थान के दाहिनी ओर दर्द रहता है तथा जरा से स्पर्श पर यहाँ तक कि बिस्तर की चादर छू जाने पर ओवर सेंसिटिवनेस यह दर्द बढ़ जाता है। रोगी को नीचे की ओर जितना अधिक दबाव महसूस होता कि उसे ऐसा लगता है कि आमाशय के अंदर की सारी चीज़ें गुदा के रास्ते बाहर निकल आएंगी। खड़े रहने और सीधे बैठने पर रोग बढ़ता। प्रातःकाल हालत विशेष रूप से बहुत ख़राब हो जाती। लिलियम टिक 30 या 200 और मर्क्यूरी म्यूरिएटिक एसिड 30 या 200 एलियम सीपा 30 या 200 लेने से खड़े रहने और सीधे बैठने पर रोग बढ़ता है। प्रातःकाल हालत विशेष रूप से बहुत ख़राब होती हो जाती। जीभ लाल और सूखी रहती है तथा उसके किनारे पर लाली रहती। जीभ के बीच के भाग में सफ़ेद रंग का लेप सा नज़र आने लगता है। जीभ पर कांटे निकल आते हैं जो बहुत चमकीले नज़र आते हैं। आरक्त ज्वर में भी मैं जीभ की हालत लगभग ऐसी हो जाती। एकोनाइट 30 या 200 एंटीमटार 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता। गले के अंदर बदबूदार स्वाद रहता है। यद्यपि भोजन के स्वाभाविक स्वाद में कोई विशेष फर्क नहीं महसूस होता। प्रलाप के लिए साधारण तौर पर 3 दवाओं बेलाडोना 200 हायोसामस 30 या 200 इस्टामोनियम 30 या 200 ओवर सेंसिटिवनेस के लिए। यद्यपि प्रलाप की और भी अनेक दवाएं हैं परंतु ये 3 दवाएं प्रधान हैं। बेलाडोना की गणना मस्तक के विकार को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवाओं में होती है। बेलाडोना पार्ट 2 में दूसरे शब्दों में ऐसे रोगों में जिनमें रोगी को सिर और मस्तक में विशेष कष्ट होता है, बेलाडोना 200 का प्रयोग किया जाता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है उसके शरीर का सारा रक्त माथे की ओर दौड़ रहा है, अपवर्ड माथे के साइड में फोरहेड की तरफ दर्द बढ़ता जाता है। ओवर सेंसिटिवनेस, जरा भी सर झुकाने से दर्द बढ़ जाता है। उसमें एमिल नाइट्राइट 30 या 200 ग्लोनाइन 30 या 200 मिली लोटस 30 या 200 बहुत गजब का काम करती है। उसमें कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज पार्टी, बर्फ, आइसक्रीम, दही, लस्सी, केला, ये सब बिल्कुल न लें। जैसे रोगी की आंखों में खून उतर रहा हो तथा चेहरा भी बैगनीपन लिए हुए लाल रंग का हो जाता है। ग्रीवा की दोनों बड़ी धमनियों में इतनी अधिक धड़कन होती है कि उसका अंदाज़ा बाहर से भली प्रकार किया जा सकता है। रोगी या तो तेज पीड़ा, दबाव और भरेपन की भावना से ग्रसित रहता है अथवा बिल्कुल गुम सुम और चुप रहता है।
अनाप शनाप बकता है, आव भाव बकता है। भयानक उन्माद या प्रलाप के होने पर उसके साथ दर्द उपस्थित रह भी सकता है और नहीं भी। प्रलाप डिलीरियम के रोग के दौरान रोगी को भूत अथवा भयंकर चेहरों और जीव जंतुओं को देखने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और सभी तरह के काल्पनिक पदार्थों अथवा आवाज़ों से वह भयभीत हो उठता है तथा बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करता है। वह कभी रोता है, कभी हंसता है, तो कभी चीखने चिल्लाने लगता है या दांत पीसने लगता है तथा निकट आने वाले लोगों को दांत से काटने या मारने की कोशिश करता है। सारांश यह है कि वह हर प्रकार के प्रचंड और हिंसात्मक काम करने के लिए उद्यत रहता है। सेवा करने वालों के लिए उसको काबू में रखना बहुत कठिन हो जाता है। प्रचंड प्रलाप का जितना स्पष्ट लक्षण बेलाडोना में होता है उतना अन्य किसी औषधि में नहीं होता। यदि शेष दो दवाओं के साथ हम लक्षण उग्र प्रलाप के आधार पर बेलाडोना की तुलना करें तो हम पाते हैं कि माथे में रक्त का प्रवाह बढ़ जाने के कारण ही यह प्रलाप की अवस्था उत्पन्न होती। ग्रीवा की धमनियों की धड़कन उत्ताए लाली और चेहरा तथा नेत्रों के सफ़ेद रंग वाले हिस्से में रक्त का एकत्र होना जितना ही कम हो जाएगा उसी प्रकार बेलाडोना का प्रलाप भी उतना ही अधिक घटता जाएगा। बेलाडोना में चेहरे पर पीलेपन के साथ भी प्रलाप की अवस्था उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इससे एक अपवाद ही मानना चाहिए। यहाँ तक कि ऊपरी होठ भी रक्त संचय विकार से ग्रस्त होकर सूज जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।